जमीयत उलमा ए हिंद महाराष्ट्र की ओर से दिग्रस शहर के बाढ़ पीड़ितों को अनाज, कपड़े, बर्तन, कंबल आदि सहित घरेलू सामग्री का वितरण बड़े पैमाने पर किया गया। समाज के लगभग सभी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए की गई इस सामाजिक पहल की समाज के हर स्तर पर सराहना की जा रही है। शहर के गौलीपुरा में स्थित मरकज मदीना मस्जिद से जमीयत उलमाए हिंद की ओर से दिग्रस के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर जीवनावश्यक राहत सामग्री पहुंचाई गई। बाढ़ से प्रभावित इलाकों के जरूरतमंद लोगों को सामग्री का वितरण किया गया। शहर के चमनपुरा, देवनगर, मोतीनगर, पोला मैदान, हिंदनगर, छत्रपति संभाजीनगर, विट्ठलनगर, गंगानगर, भाजी मार्केट परिसर जैसे लगभग सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले सभी समाज के लोगों ने यहां सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर इसका लाभ उठाया। मालूम हो कि जमीयत के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हाफिज नदीम साहब ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के उद्देश्य से प्रभावित इलाकों का सर्वे करने का आदेश दिया। दिग्रस जमीयत की टीम ने प्रभावित इलाकों का सर्वे कर 500 से ज्यादा प्रभावित परिवारों की सूची बनाई। मंगलवार को दिग्रस के गौलीपुरा स्थित मदीना मस्जिद से बाढ़ पीड़ित परिवारों को अनाज, बर्तन, घरेलू सामग्री किट का वितरण किया गया। दिग्रस शहर के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों के जरूरतमंद लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से दारवा, सुनोरी मदरसा, उमरखेड़, पुसद, पांडरकौड़ा, यौतमाल की जमीयत शाखा ने इस सहायता कार्य में योगदान दिया है। दिग्रस के अंदर नदी के जरिए से जो सैलाब आया था और उसमें बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, खासतौर से नदी के अतराफ में जो लोग थे और देहातों में बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, उसमें बगैर मजहब और मसलक के और बगैर जो है बिरादरियों के जो है देखे अल्हम्दुलिल्लाह सबका ताउन जमीयत की तरफ से किया जा रहा है और उसमें खासतौर से दारवा वालों की तरफ से जो है खाने के किटों का नज़्म किया गया और फुसद वालों की तरफ से बर्तनों का नज़्म किया गया, उमरखेड़ वालों की तरफ से ब्लैंकेट का नज़्म किया गया, पांडरगढ़ वालों की तरफ से मग्गे बकीटों का नज़्म किया गया और यौतमैल वालों की तरफ से कपड़ों का नज़्म किया गया, खसूसी तमाम लोगों के लिए जो इसमें हालात की जद में है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 तारीख को इन तमाम चीज़ें जो है ज़रूरतमंदों को दी जाएंगी। यहाँ दिग्रस के अंदर मरकज की जो मस्जिद है यहाँ पर मौलाना सादिक साहब और दिगर तमाम उलमा की मौजूदगी में और मुफ्ती एजाज साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हुए हैं जो यौतमल ज़िले के सदर है और हम भी उमरखेड़ से यहाँ पर आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें आज 1 अगस्त को जो है इन लोगों को दी जा रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने इसमें ताउन किया है उन्हें बेहतरीन जजा अता फरमाए और अल्लाह ताला ये हालात ज़दा लोगों की हर तरह से मदद मुस्तद फरमाए और उनकी मुश्किलात को अल्लाह आसान फरमाए। उमा अलैना इल्ल बलाग। जरूरतमंद और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आते हुए जमीयत ने इस नेक कार्य को अंजाम दिया है। इंसानियत की अनोखी मिसाल इस सामाजिक कार्य के माध्यम से साकार हुई है। दिग्रस के सैलाब ज़दा इलाके में किट तकसीम की जा रही है जिला यौतमल की जानिब से। इसमें पूसद, उमरखेड़, दारवा, यौतमल, पांडरकोड़ा इन तमाम लोगों ने मेहनत की है। आज बगैर मजहब मसलक की तफरीक के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आज रिलीफ तकसीम की जाएगी। रिलीफ के अंदर बर्तन, अनाज की किट, ब्लैंकेट, चद्दर, बाल्टी, मक्का और कपड़े ये तमाम चीज़ें दी जाएंगी। जमीयत उलमाए हिंद की इस कारगर पहल ने सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। वाकई उन्होंने खिदमत खल्क यानी मानवता की सेवा का एक उत्तम उदाहरण समाज के समक्ष रख दिया है। दिग्रस से NBCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।